फिर से आ चुकी आपके पास और एक बेहतरीन और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट लेके भाई आप जैसे आपके अंदर कोई पावर आ चुकी है एंड आप जाके कहीं पे छुप के, के जैसे सुपर हीरो जाके करता है ना छुप के अपने विंग्स निकाल रहे हैं एंड भाई अपनी दुनिया को बचाने सॉरी सॉरी <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> <Sorry. laughs> ज्यादा हो गया कोई बात नहीं कुछ भाई हमारा इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि आप पत्थर के पीछे छुप रहा है एंड आपके जो है पिन्ह निकल रहा है मैंने थोड़ा बहुत लूसीफास्ट से देखा था ठीक है लेकिन वहाँ पे मैंने रिंग लॉक नहीं थी रिंग्स देखे थे उसके बाकी नेक्स्ट बात जो पत्थर के पीछे वाला मैंने नहीं देखा लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ से थोड़ा बहुत लिया है तो बस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है हमारा कि भाई इसको एडिट कैसे करना है क्या है क्या है, क्या है कैसे पी एडीज लगेंगी क्या हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा विदआउट स्किप आपने सारी सारी वीडियो देख लेनी है बस सिंपल थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है एंड इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी लेवल का लग रहा है ठीक है तो अब बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस एंड लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना सर so, यार yeah, आ चुके हैं अभी हम अपने सीधा पिकसार्ट को ओपन करके यहाँ आपको कुछ बैकग्राउंड का लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन वहाँ से अपने इसको डाउनलोड करना कुछ इस टाइप का पोज देखे पीछे क्लिक करा है ठीक है तो आपने यानी कि आपने फोटो क्या बोलते हैं सॉरी फोट रूम से कट आउट नहीं करना ठीक है स्केच बुक से करना है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कोई कट आउट कैसे करते हैं अच्छे से अपने पत्थर के हिसाब से अपनी पिक्चर सेट कर लेनी है एंड एडजस्ट कर लेनी है ताकि ऐसा लगे कि आपकी पिक्चर जो है आपकी यानी कि मॉडल है आप खुद पत्थर के पीछे खड़े हुए हो तो ये चीज़ आपने जरूर करनी है क्योंकि मेरे पास पिक्चर पहले थी मैंने पहले जो मेरी ओरिजिनल पिक्चर थी वो मैंने स्केच भी उससे कटआउट किया था ईज़ी हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर फोटो रूम से कर रहा हूँ ताकि भाई टाइम ना जाया हो ज़्यादा बाकी यहाँ आप पोको आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो बाकी फिर आपने रफली यहाँ आप पे फेर देना है अच्छे से रफली तो नहीं बोलूँगा सॉरी अच्छे से पत्थर रेस कर लेना ताकि ऐसा लगे कि अभी असली में पत्थर के पीछे खड़े हुए हो एंड आप छुप के जैसे सुपर हीरोज होते हैं अपना रिवील नहीं करते तो अपने वैसे ही करके यहाँ पर सेट कर लेना तो है अपने विंग्स निकाल लेना है तो मैंने पत्थर की साइड इस पर रखा है एंड यहाँ पर विंग्स लगा देंगे तो यहाँ पर पूरा करके देख लेता हूँ यानी कैपेसिटी ओपेस्टिक करके देखते हैं कि भाई हमारा अपने अपनी रह तो नहीं गया बस ठीक है इसके बाद ये आ जाता है बन सीधा विंग्स का ठीक है मेन चीज़ ये इसी को लगाना थोड़ा सा हार्ड है लेकिन कोई बात नहीं हम लगा देंगे मसला ही कोई नहीं चलेंगे आप अच्छे से आपने ना अपने पेट के ऊपर इसको सेट करने की कोशिश करनी है अगर ना हो तो देख लेना कि भाई विंग थोड़े से ना ये साइड से पकड़ के नीचे जो एरो यानी कि डॉट और बनी हो वहाँ से ऊपर नीचे कर लेना कि भाई आपके विंग्स सेट हो जाए ठीक है ये आपको जरूर कर लेना मैं एक बार देख लूँ फिर भी एंड सॉरी तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि भाई ठीक लग रहा है मैं इसको मूव तो यहाँ पे मॉडल के पीछे रख के देख रहा हूँ तो वो सही लग रहा है लग तो रहा है लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सॉरी मेरा मॉडल सेलेक्ट हो गया यहाँ पर हम उसको कट करते हैं ये आ गया हमारा से पैसे हमारी विंग्स तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा ना अच्छे से यानी कि टाइम दे के वर्क करना है ऐसा नहीं करना ठीक है जितना आप टाइम दोगे अपनी एडिटिंग को उतनी आपकी लेवल के निकल के आ जाएगी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं इसको ऊपर की तरफ ही रखूँगा एंड यहाँ पे जैसे ऊपर रखूंगा ना इसके बाद यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम करूँगा एंड इसको इरेज कर दूँगा अपनी बॉडी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको इरेज़ कर देते हैं कोई मसला नहीं अगर आप चाहो तो मूव डाउन करके अपनी पिक्चर मॉडल के पीछे भी ये लेके जा सकते हो कोई इशू नहीं है लेकिन मुझे वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था ठीक है तो यहाँ पर मैं थोड़ा तो थोड़ा थो थो इेज़ छोड़ दूंगा बीच बीच में तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं एंड सारे सैड इरेज़ कर लेते हैं पहले अपना जो अपने बॉडी के ऊपर जो आ रहा है कि भाई हमारी बॉडी के ऊपर फेक लग रहा है ना तो ये चीज़ आपने ज़रूर कर लेनी है उसके बाद उसको फुल करके देखते हैं कि भाई कुछ बना नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रह गया तो इसको भी इरेज कर देते हैं ये हमारा यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं कर रहा कोई बात नहीं यहाँ पर इसको पकड़ते हैं एंड यहाँ पर जो है ये वाला इसको इरेजर सेलेक्ट करके सॉरी इरेजर सेलेक्ट करके इरेज़ कर देते हैं बस इतना ही काम था यहाँ पर बस बाकी और कोई बात नहीं है बस यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि हमें शेडो वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है सारा का सारा वर्क हो चुका है बाकी अपने मॉडल को पक करेंगे थोड़ी बहुत एडजस्म कर देना बैकग्राउंड के साथ बाकी मिल जाए सीधा लाइट रूम में बाकी वर्क सारा का सारा नहीं करते अब आ चुके हैं हम सीधा लाइट रूम में और ये आप हम अपनी पिक्चर लेके आ चुके हैं लाइट रूम के अंदर ठीक है सबसे पहले हम लाइट सेट एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी ओवर लाइट है उसको सेट कर ले सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस में रखते हैं एंड हाई लाइट को थोड़ा सा डाउन करेंगे ठीक है जो एक्स्ट्रा हाई लाइट है ना हमारे फेस पे बॉडी पे वो कम हो जाएंगे ठीक है इसके बाद शेडो शेडो को बढ़ा देते हैं एंड वाइट को बैलेंस को थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक हो गया यहाँ पर हमारी कलर सेट हो चुके हैं सॉरी लाइट सेट हो गई है अब यहाँ पे चलते हैं टेम्परेचर यहाँ पे देखो तो दरख्त वगैरह है ठीक है इसकी वजह से हम थोड़ा सा ना इसको ब्लू वाला शेड देंगे थोड़ा सा बान टू परसेंट रख देते हैं ठीक है एंड टिन को थोड़ा सा बढ़ा दो कम नहीं करना सॉरी कम कर दें बढ़ाना नहीं है तो ये हमारा टिंट आ गया ठीक है इसके बाद यहाँ पर भी को छेड़ सकते हो हल्का सा ज़्यादा नहीं टेन के नीचे नीचे जी रखना जितना हो पाए ठीक हो गया एंड यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट कलर मिक्सचर पे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ये सिंपल हमें लिप, लिप्स के लिए, लिए होगा तो यहाँ पर हम लिप्स को सैड कर लेते हैं अच्छे से ये एंड ये हमारे फेस के लिए होगा तो इसको भी सा बैकग्राउंड के साथ मैच करा देते हैं यहाँ पर ये ये बाकी यहाँ पर इसका कोई काम है नहीं देखते हैं बैकग्राउंड पर थोड़ा सा वर्क करे तो कर जाए लेकिन इसको थोड़ा सा हम प्लस भी रखते हैं ठीक है एंड ये हमारा सारा सारा बैकग्राउंड का लुक ही चेंज कर देगा अगर आप रखना चाहो जैसा मर्जी है आपकी लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं इसको थोड़ा सा प्लस रखते हैं एंड इसको थोड़ा सा प्लस रखते हैं ठीक है यहाँ पर कुछ ऐसा ठीक हो गया यहाँ पर ये भी थोड़ा सा कहीं काम आएगा इसकी सेचुएशन कम कर दें इसकी भी सैचुरेशन कम कर दें आप थोड़ी सी एंड इसकी ल्यूमिनस को भी कम कर दें ये आ गया इसकी इसकी सेचुएशन डाउन एंड इसकी भी सैचुरेशन डाउन यहाँ पे डन टेक्स चलते हैं यहाँ पर टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्लैरिटी को थोड़ा सा कम करते हैं डी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पर हम विग्नेट को ले देते हैं चारों तरफों ये हमारा विगनेट ये बिफोर आफ्टर लुक यहाँ पे चलते हैं एंड तो इसके शार्पनेस को आता है कि हमारी पिक्चर शार्प हो जाए एंड बस यहाँ पे हमारा वर्क क्या पर कंप्यूटर का आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आपको लुक दिखा दो इसके बाद आप कुछ और ऐड करना चाहो तो यहाँ पे जाके कर सकते हो थोड़ा बहुत वैसे हम थोड़ा सा इसको ये ये लुक दे देते हैं ठीक है इसके बाद ये भी दे देते हैं सॉरी इसको पकड़ के यहाँ पे ग्रीन की तरफ तो ये हमारा लुक आ जाएगा बेहतरीन लेवल का ठीक है सो बिफोर एंड आफ्टर तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स्ट वे तब तक टू बस बाय